आपका हैबिट एजुकेशन यूट्यूब चैनल पे बहुत बहुत स्वागत करता हूँ। तो आज का वीडियो बहुत इम्पोर्टेंट वीडियो है आप सभी के लिए जो संबंधित है आधुनिक भारत से। तो आप जानते हैं आधुनिक भारत जो है एक इतिहास की विषय वस्तु है, और आप जानते हैं इतिहासकारों के द्वारा जो है इतिहास को अध्ययन की सुविधा की दृष्टि से तीन भागों में विभाजित किया गया है। जैसे कि हम सभी जानते हैं प्राचीन इतिहास को हम पढ़ते हैं, मध्यकालीन इतिहास को हम पढ़ते हैं, और आधुनिक भारत को हम पढ़ते हैं। ठीक है जी, तो आप सभी जानते हैं कि आधुनिक भारत के क्रम में हम अगर देखें तो पुर्तगाली कंपनियों के आगमन से जो है इसका आगाज़ माना जाता है। ठीक है जी, और आप जानते हैं कि ये बहुत ही इम्पोर्टेंट लेक्चर आप सभी के लिए होगा, क्योंकि इसमें बहुत सारी चीज़ों को हम कवर करेंगे और एक बेसिक फाउंडेशन तैयार करेंगे कि हम किस तरह से समझें कंपनियों का आगमन कैसे हुआ, कंपनियों का आगमन क्यों हुआ, और ये कंपनियां भारत में आई तो इन्होंने यहाँ पे आर्थिक सुधार क्या किए, राजनीतिक सुधार क्या किए, और सामाजिक सुधार क्या किए। ऐसा नहीं कि यहाँ पे अंग्रेजी कंपनियां आई और उन्होंने सिर्फ यहाँ भारत को लूटा ही नहीं, कुछ एक ऐसे कार्य भी है जो अंग्रेज़ों के द्वारा बहुत अच्छे कार्य किए गए भारत में। और आप जानते हैं अंग्रेज़ों के द्वारा ही बहुत सारी कुरीतियों को भारत से हटाया गया, बाल विवाह हो गया, सती प्रथा हो गया, बहुत सारी चीज़ें हैं जिनको अंग्रेज़ों ने यहाँ आके दूर किया। ठीक है, तो बात करते हैं हम कि ये जो अंग्रेजी कंपनियाँ हैं, है ना, अगर हम भारत के क्रम में बात करें तो आप जानते हैं कि भारत में अंग्रेज़ी कंपनियों के रूप में सबसे पहले पुर्तगाली आते हैं, फिर डच आते हैं, फिर अंग्रेज़ आते हैं, और फिर फ्रांसीसी आते हैं। ठीक है जी, तो इनमें अगर हम बात करें कि सबसे ज़्यादा जो वर्चस्व है ना, सबसे ज़्यादा वर्चस्व जो है अंग्रेज़ों का भारत में रहा, और अंग्रेज़ों का वर्चस्व भारत में आज़ादी तक रहा। ठीक है जी, आप जानते हैं अंग्रेज़ों से ही हमने आज़ादी प्राप्त की, आपको पता 1947 तक हमने ये युद्ध लड़ा, और आपको पता है कि अंग्रेज़ों ने ही भारत में बहुत सारे सुधार के कार्य भी किए और बहुत सारी अच्छी अच्छी नीतियाँ भी चलाई, और बहुत अच्छा इन्होंने यहाँ से शोषण भी हमारा किया और हमारे भारत को बहुत अच्छे से इन्होंने लूटा भी। ठीक है जी, तो अंग्रेज़ों ने भारत को लूटने में कोई कसर नहीं छोड़ी। तो हम बात करते हैं कि इन कंपनियों को किसने परमिशन दिया, है ना। तो अगर हम अंग्रेज़ी ईस्ट इंडिया कंपनी की बात करें तो आप जानते हैं ये जितनी भी कंपनियां थी, एक अंग्रेज़ी ईस्ट इंडिया कंपनी की बात नहीं कर रहा हूँ, ये जितनी भी कंपनियां थी वो चाहे डच हो, फ्रांसीसी हो, या फिर पुर्तगाली हो, या फिर अंग्रेज़ हो, ये सारे जो है व्यापारिक उद्देश्य से ही भारत में इनका आगाज़ हुआ था, भारत में आए थे। लेकिन इन सभी ने भारत की मूर्खता को देख के, भारत के लोगों की मूर्खता का फ़ायदा उठाया, और यहाँ के लोगों का एक दूसरे के प्रति प्रतिशोध, यहाँ के शासकों का एक दूसरे के प्रति प्रतिशोध, उसका फ़ायदा उठा के इन्होंने व्यापारिक कंपनियों के साथ साथ राजनीतिक सत्ता में भी हस्तक्षेप करना आरम्भ कर दिया, जो कि आप जानते हैं प्लासी और बक्सर की लड़ाई के बाद जो है अक्सर हमें देखने को मिलता है। अभी हम बात करते हैं यहाँ पे कंपनियों की। तो आप सभी को पता है कि अगर हम पुर्तगालियों की बात करें, पुर्तगाली कंपनियों की बात करें, तो इनका जो है अंग्रेज़ों के साथ शुरू में संघर्ष हुआ, है ना, शुरू में संघर्ष हुआ। क्यों? क्योंकि आप जानते हैं अब अंग्रेज़ 1600 AD में आते हैं, और अगर इस पुर्तगाली कंपनी की बात करें तो 1498 से ही इन्होंने अपनी कंपनी स्थापित की थी, कहाँ पर, कोचीन में। ठीक है जी, तो अब अंग्रेज़ों और पुर्तगालियों के बीच में शुरू में संघर्ष हुआ, लेकिन बाद में इनके बीच में वैवाहिक समझौते से जो है ये संघर्ष रुका। ठीक है, आपको पता है कि 1761 में पुर्तगाली महारानी और अंग्रेज़ राजा का जो है वैवाहिक संबंध बन जाते हैं, और उसके बाद इनके संबंध जो है सही रहते हैं, है ना। अगर हम बात करें अंग्रेज़ और फ्रांसीसियों की, तो इनके बीच में बहुत संघर्ष हुआ, और इन्हीं के बीच में सबसे ज़्यादा देखें तो यहाँ कर्नाटक की युद्ध प्रथम, कर्नाटक द्वितीय, कर्नाटक तृतीय बार चले, और अगर डचों की बात करें तो डचों का ज़्यादा यहाँ पे कुछ देखने को ज़्यादा संघर्ष नहीं मिलता, क्योंकि डच और पुर्तगाली के बीच में एक ही युद्ध हुआ था 1759 का। 1759 में डच और पुर्तगालियों के बीच में युद्ध हुआ, जिसको बेदरा के युद्ध के नाम से जानते हैं। इसमें डचों की पराजय हुई और डच जो है भारत देश को छोड़ के
चले गए और इन्होंने जितनी भी यहाँ पे कंपनी कारखाने स्थापित किए थे वो इन्होंने यहाँ बेच के चले गए कंपनियों को। अगर हम बात करें यहाँ, अगर एक तरफ से देखें कि ये जो भारत था, ये जो भारत यहाँ पर एक त्रिकोणीय श्रृंखला में युद्ध होता है। फर्स्ट अगर बात करें, एक तो कंपनियों का कंपनियों के साथ, है ना, अंग्रेज हो गए, पुर्तगाली हो गए और यहाँ के जो रजवाड़े हो गए, जो शासक बहुत सारे क्षेत्र में शासक हुए। आप जानते हैं दिल्ली में, अगर बात करें हम दिल्ली में, तो मुगल सत्ता स्थापित हुई थी। अगर यहाँ पंजाब वाले क्षेत्र में बात करें तो आप जानते हैं रणजीत सिंह यहाँ से उभरे थे। अगर हम गुजरात की बात करें तो गुजरात में बहादुर शाह को देखते हैं। अगर हम मैसूर की बात करें तो आप जानते हैं टीपू सुल्तान। अगर हम पश्चिम बंगाल की बात करें तो आप जानते हैं यहाँ पे शासक हुए थे मीर कासिम, है ना, मीर जफर, तो सिराजुद्दौला, है ना। तो यहाँ पे ये स्थिति थी भारत में और इन्हीं शासकों के बीच में युद्ध हुए और कंपनियां तो आपस में लड़ ही रही थी साम्राज्य विस्तार और राजनीतिक सत्ता में हस्तक्षेप करने के संदर्भ में, क्रम में, ठीक है जी। तो अब हम देखते हैं, सबसे पहले अगर हम बात करें, ठीक है जी, कि ये जो यूरोपीय कंपनियों का आगमन है, बहुत इंपॉर्टेंट, आधुनिक भारत से मैक्सिमम क्वेश्चन जो है एग्जाम में आते हैं, ठीक है जी। सबसे ज्यादा अगर क्वेश्चन पूछे जाते हैं एग्जाम में वो आधुनिक भारत से ही पूछे जाते हैं, ठीक है। तो इस क्रम में अगर हम देखें तो आप जानते हैं कि सबसे पहला जो आगमन हुआ था वो किसका हुआ था, पुर्तगाली कंपनी का हुआ। सबसे पहले पुर्तगाली आए थे, सभी जानते हैं 1498 में जो है वास्को डी गामा भारत में आए थे, ठीक है। अगर दूसरे हम बात करें तो दूसरी कंपनी आती है आने के क्रम में, है ना, लेकिन कंपनी स्थापित करने का क्रम थोड़ा सा अलग है। ध्यान देंगे कि दूसरी कंपनी जो आई थी डच आई थी और ये 1595 में यहाँ पर इनका आगमन होता है। अगर हम बात करें थर्ड अंग्रेजी कंपनी आती है, अंग्रेज ईस्ट इंडिया कंपनी, और जिसकी यहाँ आने की जो समय अवधि है वो 1600 AD है। फिर फ्रांसीसी आते हैं, फ्रांसीसी कब आते भारत में, तो आप जानते हैं 1664 में ये भारत में आते हैं। अब अगर बात करें हम इन कंपनियों की, कंपनियों को स्थापित करने की जो क्रम है वो क्या है, ठीक है। तो सबसे पहले पुर्तगालियों ने कंपनी स्थापित की थी कहाँ पर, कोचीन में की थी 1503 में, ठीक है जी। तो आप जानते हैं उसके बाद अगर हम बात करें तो उसके बाद अंग्रेज आते हैं। अब आने का क्रम देखिए, आने का क्रम डच दूसरे नंबर पर आए, लेकिन कंपनी को स्थापित करने का क्रम अंग्रेजों ने दूसरे नंबर पर कंपनी स्थापित की, कहाँ पर, भारत में, और कब की, 1608 में। 1608 से इस काम को, थोड़ा सा कंपनी के काम को रोक दिया गया था जहांगीर के द्वारा, और आप जानते हैं इसको पूरा किया था फिर 1613 में ये कंपनी स्टार्ट हुई थी, कहाँ पर, सूरत में, ठीक है जी, वेरी इंपॉर्टेंट। और आप जानते हैं कि जो डच है, डचों के द्वारा कंपनी स्थापित कब की गई भारत में, तो आप सभी को पता है कि डचों के द्वारा 1605 में मसूलीपट्टनम में ये कंपनी स्थापित की गई, ठीक है। नेक्स्ट अगर हम फ्रांसीसी की बात करें तो आपको पता है कि सूरत में इन्होंने 1668 में जो है कंपनी स्थापित की, 1668 AD में इन्होंने कंपनी स्थापित की, कहाँ पर, भारत में। तो ये तो हो गया कंपनी के आगमन का क्रम और कंपनी के स्थापना वर्ष का क्रम, कि कब कब अंग्रेजी जो कंपनियां थी, यूरोपियन कंपनियां थी, उनके द्वारा स्थापना की गई। अब बात करते हैं हम कि यहाँ पर ये जो कंपनियां आई, ये कंपनियां क्यों आई, है ना, और इन कंपनियों ने यहाँ आने के क्रम में क्या क्या नीतियां चलाई, क्या क्या पॉलिसीज चलाई, ठीक है। तो बात करते हैं सबसे पहले हम पुर्तगाली कंपनी की, ठीक है। तो चलिए देखते हैं पुर्तगाली कंपनी के संदर्भ में। तो आप जानते हैं अगर हम पुर्तगालियों को देखें तो एक मैपिंग के अकॉर्डिंग हम समझेंगे, आप जानते हैं देखिए ये यूरोप कॉन्टिनेंट, ठीक है, और इसी के साथ जुड़ा हुआ यूराल पर्वत के सहारे यहां से पड़ता है हमारा एशिया कॉन्टिनेंट और ये भारत, ठीक है, और यहाँ यूरोप के साथ जुड़ा जुड़ा है अफ्रीका कॉन्टिनेंट, ठीक है जी। तो आप जानते हैं ये आपका भूमध्य सागर यूरोप और अफ्रीका के बीच में, और आप जानते हैं यहां से पड़ता है लाल सागर। तो यहां पे क्या था, ये जो यूरोप है यहां पर एक धर्म और एक रोमन साम्राज्य था, और वो उस रोमन साम्राज्य में कैथोलिक धर्म जो है प्रचलित था,
और ये रोमन साम्राज्य बहुत बड़ा था और यहाँ पर शासन व्यवस्था को सुचारू रूप से चलाने के लिए इस रोमन साम्राज्य को दो भागों में बांट दिया गया था, ठीक है जी। और आप जानते हैं ये दो भाग कौन से थे, एक था पूर्वी रोमन साम्राज्य और एक था पश्चिमी रोमन साम्राज्य। ये पूर्वी रोमन साम्राज्य हो गया और पश्चिमी रोमन साम्राज्य। अगर हम बात करें कि ये जो पूर्वी और पश्चिम रोमन साम्राज्य है, यहाँ पर कैथोलिक धर्म प्रचलित था और ये ही इसी के साथ का जो एरिया है इसको बोलते हैं अरब प्रायद्वीप, ठीक है। अरब प्रायद्वीप में ईरान हो गया, अजरबैजान हो गया और सऊदी अरब हो गया, तो बहुत सारे कंट्रीज हैं यहाँ, आप जानते हैं सभी, तो इसको अरब पेनिनसुला। यहाँ पर क्या था, यहाँ पर इस्लाम धर्म प्रचलित था, ठीक है जी। इस्लाम धर्म। तो क्या होता है कि ये जो पहले भारत का जो ये पश्चिमी घाट वाला एरिया है, पश्चिम घाट वाले एरिया में मसाले का बहुत अच्छा व्यापार होता था, मसालों की बहुत अच्छी खेती हुआ करती थी और आप जानते हैं यूरोप में इन्हीं मसालों की बहुत डिमांड थी, ठीक है जी। और इसी क्रम में अगर बात करें हम, ये जो पूर्वी रोमन साम्राज्य और पश्चिमी रोमन साम्राज्य जहाँ पर कैथोलिक धर्म क्या था, प्रचलित था, अगर अरब वाले क्षेत्र में बात करें तो इस्लाम धर्म प्रचलित था। ये इस्लामिक लोग जो है यहाँ भारत के पश्चिमी घाट पर आके यहाँ से मसालों को ले जाके कहाँ पर बेचते थे, यूरोप में बेचते थे, ठीक है। और आप जानते हैं यूरोप में जब ये मसालों को बेचते थे तो इनको बहुत क्या होता था, मुनाफा होता था, ठीक है। तो इसी क्रम में आपको पता है कि ये जो पूर्वी रोमन साम्राज्य के लोग थे, जो कौन थे, कस्तूनिया क्या बोलते हैं, कैथोलिक धर्म को मानने वाले, और ये जो पूर्वी रोमन साम्राज्य की जो अगर राजधानी की बात करें, इनकी राजधानी थी कस्तूनिया, ठीक है जी। अगर हम बात करें पश्चिमी रोमन साम्राज्य की, तो पश्चिमी रोमन साम्राज्य की राजधानी हुई रोम, ठीक है। तो बहुत बड़े दो केंद्र थे ये कैथोलिक धर्म के। तो यहां से जो पूर्वी रोमन साम्राज्य के जो लोग थे वो इस्लामिक क्षेत्रों से होते हुए क्या करते थे, यहां से स्थलीय मार्गों से पश्चिमी घाट से मसालों को ले जाते थे और यूरोप में बेचते थे, ठीक है जी। जिससे क्या हो रहा था, ये जो इस्लाम धर्म के लोग थे यहाँ, है ना, इस्लाम धर्म के लोग थे, इनके व्यापार में बाधा उत्पन्न कर रहे थे, ठीक है। अब अगर आप जानते हैं कि मेरे क्षेत्र में अगर कोई दूसरा बाहरी व्यक्ति आके व्यापार करे तो मुझे नुकसान होगा, स्वाभाविक है, इनको भी वही नुकसान हुआ, ठीक है। अब क्या हुआ, ये इस्लामिक धर्म के लोग और कैथोलिक धर्म के लोगों के बीच में क्या होता है, युद्ध होता है ना। युद्ध कब होता है, 1453 में, 1453 AD में युद्ध होता है, जिसमें क्या होता है कि ये कैथोलिक धर्म, मतलब कि पूर्वी रोमन साम्राज्य जिनकी राजधानी कस्तूनिया थी, ये हार जाते हैं और ये इस्लामिक धर्म, है ना, जो अरब प्रायद्वीप है, ये क्या हो जाता है, विजयी हो जाता है, जिससे इनका मार्ग जो है, जो स्थलीय व्यापार का मार्ग था, वो अवरुद्ध हो गया। कब, 1453 में, 1453 में ये व्यापार का मार्ग जो है अवरुद्ध हो गया पूरी तरह से। अब इन यूरोपियन लोगों के पास, यानी पुर्तगाल के लोगों के पास क्या था, तीन ऑप्शन थे। नंबर वन, व्यापार करना छोड़ दे भारत से, संभव नहीं है। नेक्स्ट, दूसरी बात की अगर बात करें कि अभी इन इस्लामिक धर्म के लोग, मतलब अरब प्रायद्वीप के लोगों से फिर से जाके युद्ध करें, तो वो भी स्वाभाविक नहीं था, क्यों, क्योंकि अभी अभी पिट के आए हैं, है ना। अगर तीसरी बात की बात करें, जो तीसरा ऑप्शन इनके पास था कि नया मार्ग ही खोज डाले भारत का, है ना, भारत जाने का नया मार्ग खोज डाले। तो आप जानते हैं कि पुर्तगाल के राजा हेनरी, प्रिंस हेनरी ने क्या किया, प्रिंस हेनरी की आज्ञा से वैश्विक खोजों का क्या हुआ, आगाज हुआ। इन्होंने एक कार्यक्रम चलाया जिसमें इन्होंने क्या कहा कि जो भी भारत का नया मार्ग खोजेगा उसके लिए बड़े बड़े इनाम, रिवॉर्ड, अवार्ड रखे गए, ठीक है जी। तो उसी क्रम में आप जानते हैं कि
एक व्यक्ति हुए जो कहाँ से निकलते हैं, स्पेन से, है ना, स्पेन से निकलते हैं कोलंबस, ठीक है। और कोलंबस स्पेन से जब निकलते हैं तो आप जानते हैं ये कहाँ पर पहुंचते हैं, यूएसए, है ना, ये यूएसए हैं। तो कोलंबस स्पेन से निकलते हैं और ये नीचे आने के क्रम में सीधे चले जाते हैं, सीधे चले जाते हैं। ये मैप थोड़ा नीचे बना तो आप समझ सकते हैं। तो ये सीधे चले जाते हैं और ये कहाँ पर पहुंचते हैं, ये पहुंचते हैं कैरेबियन सागर में। यहाँ पर कैरेबियन सागर है और कैरेबियन सागर में आप जानते हैं हेती हो गया, मैं द्वीपों आइलैंड की बात कर रहा हूँ, देश है वहाँ पे, हेती हो गया, हवाना हो गया, बहमास हो गया, ब्रमुडा हो गया, जमैका हो गया, ये सारी कंट्रीज कहाँ पर है, ये कैरेबियन सागर की कंट्रीज है, ठीक है। और आप जानते हैं जब ये यहाँ पर पहुंचे, जब इन्होंने ये द्वीप देखे तो इन्होंने एक नाम दिया इसको, वेस्ट इंडीज का नाम। तो आप जानते हैं मैप जब हम देखते हैं तो उसमें हमें वेस्ट इंडीज़ की राजधानी नहीं मिलती है, क्यों, क्योंकि वेस्ट इंडीज़ कोई एक देश नहीं है, जो वेस्ट इंडीज़ की टीम भी है उसमें भी किसी एक देश के सभी खिलाड़ी नहीं होते, वो अलग अलग देशों के, क्योंकि वो ग्रुप है कंट्रियों का, कौन, वेस्ट इंडीज़। तो ये नाम किसने दिया था, तो कोलंबस ने ये नाम दिया था, ठीक है जी। और आप जानते हैं कोलंबस ने यूएसए को क्या कहा, कोलंबस ने यूएसए को नई दुनिया का नाम दिया था, ठीक है जी। और इसी क्रम में पुर्तगाल से एक व्यक्ति निकलते हैं जिनका नाम है वास्को डी गामा। तो वास्को डी गामा साहब यहाँ से चलते हैं नीचे की तरफ और अफ्रीका के कैप ऑफ गुड होप से होते हुए, कैप ऑफ गुड होप से होते हुए जाते हैं कहाँ पर, तो ये पहुँचते हैं यहाँ गुजरात के पास। गुजरात के पास इनको एक मानिक नाम का नाभिक मिलता है और उसको वो पूछते हैं कि भाई यहाँ पे मसाले कहाँ पर मिलते हैं, मुझे वहाँ जाना है। तो मानिक ने कहा गुजरात में तो मसाले नहीं मिलते भाई, यहाँ पे तो क्या मिलता है, नमक मिलता है। तो वास्को डी गामा कहते हैं कि नमक तो हमारे यूरोप में बहुत है, मुझे तो मसाले चाहिए, है ना। तो उसी क्रम में ये नीचे चले जाते हैं इसी के दिशा निर्देशों के अनुसार मानिक के। तो ये पहुंचते हैं कहाँ पर, कलिकट बंदरगाह पर, ठीक है जी। अब कलिकट बंदरगाह पर ये पहुंचे तो आप जानते हैं कलिकट बंदरगाह पर 1498 में ये पहुंचते हैं, 17 मई 1498 को ये कलिकट बंदरगाह पर पहुंचते हैं या मालाबार तट पर पहुंचते हैं। और इस दौरान यहाँ का जो राजा होता है वो होता है कौन, राजा जमोरिन। तो जमोरिन ने इनका भव्य स्वागत किया, कुछ एक बुकों में कहा है कि स्वागत किया या कुछ एक बुकों में कहा है कि मारा, तो हमारा क्या जाता है, हम भी इसका स्वागत ही कर लेते हैं। तो आप जानते हैं जब इसका जमोरिन ने स्वागत किया तो जब पहले से जो लोग यहाँ व्यापार कर रहे हैं, कौन, मतलब अरब प्रायद्वीप के लोग, ठीक है, तो वो लोग जमोरिन से नाराज हो जाते हैं, ठीक है जी। अब जमोरिन से नाराज हो गए तो अब क्या दिक्कत होगी, तो आपको पता है जमोरिन से नाराज हो गए तो क्या हुआ, तो इनकी जमोरिन के साथ अनबन हो जाती है, ठीक है जी। अब नेक्स्ट अगर हम बात करें, जब ये वास्को डी गामा यहाँ पर पहुंचता है तो वास्को डी गामा क्या करता है कि यहाँ से कुछ एक मसाले लेके जाता है, लौंग, इलायची वगैरह, और जहां से आया था उसी मार्ग से चला जाता है कहां पर, पुर्तगाल। और पुर्तगाल में जाके उन्हीं मसालों को वो बेचता है और उन्हीं मसालों को बेच के उसको 60 गुना ज़्यादा मुनाफा होता है, अपना पूरा लागत खर्चा जो भी उसका लगा था उसको निकाल के 60 गुना ज़्यादा उसको फ़ायदा होता है। और वहाँ के लोगों को वो बताता है और वहाँ के लोग भी सुन के प्रसन्न होते हैं कि नहीं यार ये तो कमाल की बात है, तो चलिए हम भी क्या करते हैं, हम भी भारत की तरफ जाते हैं। तो जो दूसरा आदमी आया था वास्को डी गामा के जाने के बाद, तो दूसरा आदमी 1500 में पहुंचा था, जिसका नाम क्या था, जिसका नाम था कैबराल, वेरी इंपॉर्टेंट, कैबराल। तो भारत में दूसरा आदमी कौन था आने वाला वास्को डी गामा के बाद, कैबराल। तो कब आया था, 1500 ईस्वी में। अगर बात करें कि इस कैबराल के बाद फिर वास्को डी गामा, वास्को डी गामा फिर से आया, कब आया, 1502 में। वास्को डी गामा फिर से आता है 1502 में और फिर से यहाँ से ले जाता है सामान वगैरह, मसाले वगैरह, और बेचता है और मुनाफा कमाता है, ठीक है। तो आप जानते हैं अगर सबसे पहले व्यक्ति की बात करें, है ना, सबसे पहले अगर व्यक्ति की बात करें कि वास्को डी गामा से भी पहले कौन आया था भारत में 1498 से भी पहले, तो बारथुलियर नाम का एक व्यक्ति था, बारथुलियर, लेकिन ये भारत नहीं पहुंच पाया था, इसको अरब के लोगों ने मारपीट के भगा दिया था,
ठीक है जी। तो बारथोलियर वेरी इंपॉर्टेंट, इसको भी याद रखें। तो ये कहानी यहाँ तक पहुंचे हम कि दूसरी बार वास्को डी गामा आया और उसके बाद जो है वहाँ पे गया और इसने गुजारिश की यहाँ पुर्तगाल के राजा से, जो कौन थे, प्रिंस हेनरी, उनसे कहा कि हमें कोई सरकार का एक अधिकारी हमारे साथ भेजिए और हमारे साथ थोड़ी सी सेना भी भेजिए ताकि हम वहाँ उन अरब के लोगों के साथ लड़ पिट सके, है ना। तो आप जानते हैं सबसे पहले पुर्तगालियों के क्रम में जो सबसे पहला व्यक्ति आया था एक अधिकारी के रूप में, वो कौन भेजा था इन्होंने, फ्रांसिस्को डी अल्मेडा। तो फर्स्ट अगर व्यक्ति की बात करें, फ्रांसिस्को डी अल्मेडा, तो फ्रांसिस्को डी अल्मेडा वेरी इंपॉर्टेंट पर्सन रहे। तो आप जानते हैं कि 1505 से लेके 1509 तक ये यहाँ पर प्रथम गवर्नर या फिर वाइस राय के पद पर रहे और आप जानते हैं कि इन्हीं के नेतृत्व में पुर्तगाली कंपनी का विकास यहाँ भारत में हुआ, ठीक है जी। और अगर बात करें हम ये अल्मेडा से, सबसे महत्वपूर्ण पॉइंट है कि इसी अल्मेडा ने, फ्रांसिस्को डी अल्मेडा ने ब्लू वाटर पॉलिसी चलाई थी। ब्लू वाटर पॉलिसी क्या थी, इसने क्या किया, जब ये आया इसने हिंद महासागर, अरब सागर और बंगाल की खाड़ी वाले क्षेत्रों पर अधिकार, अपना आधिपत्य जमा लिया। क्यों, क्योंकि इस क्षेत्र से जितने भी जहाज आवागमन करते हैं उनको इसकी परमिशन लेना अनिवार्य कर दिया, ताकि उनसे वो परमिशन ले और इनको टैक्स वगैरह दे, ठीक है। जिससे क्या होगी, इनकी आर्थिक स्थिति समृद्ध होगी और ये ज़्यादा किलेबंदी दुर्ग बनाने के लिए सक्षम होंगे, ठीक है जी। तो बहुत इंपॉर्टेंट है। और दूसरे अगर हम बात करें, दूसरे व्यक्ति आए जो दूसरे वायसराय कह सकते हैं या गवर्नर कह सकते हैं, तो अल्बुकर्क दूसरा व्यक्ति आया और ये 1509 से लेके 1515 तक यहाँ पर रहा। और आप जानते हैं ये भी बहुत महत्वपूर्ण व्यक्ति रहा। इसी अल्बुकर्क को क्या कहा जाता है, इसी अल्बुकर्क को वास्तविक संस्थापक कहा जाता है। किसका, पुर्तगालियों की कंपनी की स्थापना के क्रम में वास्तविक जो संस्थापक है वो कौन है, अल्बुकर्क है। और आप जानते हैं कि इसी अल्बुकर्क ने अपनी जो राजधानी थी कहाँ पर बनाई थी, कोचीन में। अल्बुकर्क ने अपनी राजधानी कहाँ पर बनाई, और आप जानते हैं कोचीन को इसने अपनी राजधानी बनाया। और इसी क्रम में अगर देखें तो अल्बुकर्क ने 1510 में यहाँ गोवा के क्षेत्र को क्या किया, जीता गोवा को किससे जीता, आदिल शाह से जीता। आदिल शाह के साथ इसने संघर्ष किया, आदिल शाह के साथ इसने अभियान चलाया, बीजापुर अभियान के नाम से उसको जानते हैं। बीजापुर अभियान कब चलाया, 1510 में चलाया। किसने चलाया, तो आप जानते हैं अल्बुकर्क के द्वारा ये अभियान चलाया गया। और अगर इसी क्रम में अगर हम देखें कि आदिल शाह से इसने गोवा को जीत लिया, और अगर बात करें हम गोवा के आज़ाद होने की, तो 1961 में जो है गोवा क्या होता है, आज़ाद होता है, ठीक है जी। और नेक्स्ट अगर हम बात करें इसके बाद की, तो आप जानते हैं इसके बाद जो हमारे नेक्स्ट गवर्नर या फिर वाइस राय आए, वो नीनो डी कुन्हा थर्ड नंबर के। तो आप जानते हैं ये नीनो डी कुन्हा भी बहुत महत्वपूर्ण रहे। ये अल्बुकर्क के पिता थे। नीनो डी कुन्हा कौन थे, अल्बुकर्क के पिता थे। और आप जानते हैं कि इन्होंने गोवा को कार्यालय क्षेत्र राजधानी के रूप में बनाया था। नीनो डी कुन्हा ने क्या किया, गोवा को अपनी राजधानी बनाया। अगर हम नेक्स्ट बात करें कि इसी नीनो डी कुन्हा ने क्या किया, नीनो डी कुन्हा ने 1535 और 1559 में इसने दीव को जीता और 1559 में इसने क्या किया, दमन को जीता, ठीक है। और एक महत्वपूर्ण बात अल्बुकर्क के बारे में अगर हम देखें, तो अल्बुकर्क ने एक बहुत इंपॉर्टेंट नीति चलाई थी, जो वैवाहिक नीति, विवाह नीति चलाई थी, विवाह पॉलिसी चलाई थी, ठीक है। ये इसने क्या कहा था कि जो यहाँ पुर्तगाली लोग है वो यहाँ के भारत के लोगों के साथ वैवाहिक संबंध बनाए, जिससे क्या होगा, हमारे यहाँ पे लोगों की संख्या क्या है, बढ़ेगी और हम अपना शासन जो है बहुत अच्छी तरह से स्थापित कर सकेंगे। तो
तो ये था पूरा पुर्तगाली कंपनी के क्रम में, ठीक है। तो उम्मीद करता हूँ कि आप सभी दोस्तों को ये वीडियो पसंद आया होगा। अगर यार वीडियो अच्छा लगा होगा तो वीडियो को प्लीज़ लाइक शेयर और सब्सक्राइब करें, चैनल को ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक पहुँचाए, ठीक है। तो आप लोगों से यही गुजारिश है कि इस लेक्चर को ध्यान से पढ़ें और वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें। बहुत बहुत धन्यवाद, थैंक यू।